Hi guys, I'm Shashank Jain. Welcome back to my channel Vodofa. So today we have a special guest Amit, और आज हम brick patterns और brick tiles को cover करने वाले हैं Eastech के अंदर. So let me introduce Amit to you guys and let's see कि उसके पास क्या है आपके लिए इन products के लिए. Please. Hello. Hi Amit. Yeah, thank you. We have the products of brick tile. Okay. ये सारा जो brick tile है ये सब clay terracotta है. Okay. बिल्कुल natural है, कहीं भी कोई भी artificial चीजें mix नहीं है इसके. अच्छा, तो ये जो product है जो आप ये texture की बात कर रहे हैं ये terracotta से ही बनाया गया है तो naturally. So अपन जब texture paint की बात करते हैं तो क्या ये उसी का pattern types element है? You can say क्योंकि pattern जो paint होता है वो किसी भी color में किसी भी shape में बन सकता है. अच्छा. तो इस shape का आप कह सकते हो textured paint type का ये look है. So ये इसके अंदर बहुत सारे colors and combinations आते हैं या patterns कैसे किस तरीके के हैं? ये जो भी हैं इसमें करीब 10-15 तरह के कलर आते हैं और पैटर्न्स जो हैं बाय डिफॉल्ट नेचुरली निकल के आते हैं. अच्छा. इन्हें कोई बनाया नहीं जाता है, हमें नहीं पता होता बनाने के टाइम पे कि क्या निकल के आएगा. अच्छा. तो यही इसकी स्पेशलिटी है. तो ये खांचे में डाल के बनाते होंगे या कैसे बनता है ये ब्रिक है, ब्रिक में स्लाइसिंग करते हैं हम लोग. अच्छा, ब्रिक से स्लाइसिंग करते हैं. ओह वंडरफुल. सो मतलब हर पैटर्न एक ब्रिक है और उसको आपने स्लाइस काट काट के पतला पतला करके बनाया. तो ये कितनी थिक होता है दीवार? ये 9 mm थिक होता है. 9 mm थिक होता है. गाइस, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, टेक्सचर पेंट इज ओनली 2 mm 3 mm थिक. ये 9 mm थिक है. इट इज बेटर देन टेक्सचर बिकॉज ये निकलेगा नहीं. तो एक बार अगर दीवार पे होल्ड हो गया एडहेसिव से या कोई केमिकल से तो ये निकलेगा नहीं. सो हमें जैसे आपने ये बहुत सारे पैटर्न्स लगाए हुए हैं तो इनकी सबकी कॉस्ट अलग अलग होती है? सबकी अलग अलग होती है. अच्छा, तो लगभग जैसे कि ये कॉस्ट है तो ये कितना कॉस्ट करेगा मिनिमम एरिया? ये वाला कलर जो है 180 पर स्क्वायर फीट है और बेसिकली जो भी हमारी प्राइसिंग रेंज है 150 टू 250 पर स्क्वायर फीट के रेंज में सारा. दिस इंक्लूड्स मटेरियल एंड इंस्टॉलेशन? नो, ओनली मटेरियल. तो इंस्टॉलेशन कैसे कराएंगे इसका? इंस्टॉलेशन के लिए मेसन आता है. अच्छा. वो अराउंड 50 पर स्क्वायर फीट चार्ज करता है. आप ही लोगों को बेच सकते हैं उसे? तो वो क्योंकि आपका एक्सपर्ट है तो वही आपकी वही इसको हम डबल लेयर्स, डबल हाइटिंग, कहीं और किसी भी तरीके के पैटर्न्स पे लगा सकते हैं. किसी भी तरीके के पैटर्न लगा, सीलिंग पे भी लग जाएगा? सीलिंग पे भी लग जाएगा. ये लाइट वेट है तो कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा इसमें. वंडरफुल. सो गाइस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, क्योंकि ये लाइट वेट है तो ये सीलिंग पे भी लग जाएगा. अक्सर मटेरियल्स को मुझे बड़ा डर लगता है सीलिंग पे लगाने के लिए. मुझे लगता है गिर ना जाए, चाहे वो HPLs हैं या कुछ और एलिमेंट्स हैं जब वेदर के इफेक्ट्स आते हैं. क्योंकि ये पतला है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा विद्रोल कर सकता है. सो लेट्स टॉक अबाउट देयर न्यू दूसरा प्रोडक्ट, दिस इज द टेराकोटा जाली. अमित, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें प्लीज. ये टेराकोटा जाली ब्लॉक है, इसे पार्टीशन वॉल, एक्सटीरियर और टेरिस वॉल में आप कहीं भी यूज कर सकते हैं. इसमें 6 पैटर्न आते हैं, ओपल, 4 पेटल, रूबी, कैम जाली, टीवी जाली एंड ऑल. तो 6 पैटर्न है हमारे पास. आप इनमें से कैम जाली को एज ए हाइलाइटर यूज कर सकते हो, बाकी सारी जालियाँ बेस जाली एज ए बेस जाली यूज हो सकती है. अच्छा. सो गाइज, ये अमित हम इंटीरियर एक्सटीरियर में दोनों में यूज कर सकते हैं? दोनों जगह यूज हो सकते हैं. इंटीरियर में एज ए पार्टीशन वॉल, एक्सटीरियर में वॉल भी क्रिएट कर सकते हैं, पार्टीशन वॉल भी बना सकते हैं. तो आप जैसे इसके अंदर मिट्टी फंस जाएगी, इसको मिट्टी को कैसे साफ करेंगे इसकी? बड़ा इजीली पानी से भी साफ हो सकता है और कपड़े से भी साफ हो सकता है, ये एब्जॉर्ब नहीं करता है. अच्छा, तो अगर हम पानी की फुहार मार दें तो ये साफ हो जाएगा? वंडरफुल. सो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे बहुत लोग पूछते हैं एज एन आर्किटेक्चुरल एंड डिजाइनर प्रैक्टिस, कि मटेरियल तो लगा दो उसकी मेंटेनेंस कैसे करेंगे? तो जैसे उन्होंने बोला बहुत आसान है, पानी मारेंगे, कपड़ा मारेंगे, साफ हो जाएगा. वंडरफुल. सो एनी अदर प्रोडक्ट अमित आप बताना चाहते हैं हमारे लोगों को? हमारे पास ब्रिक टाइल्स में जो कलर्स हैं ये सारे कलर्स हमने यहाँ नहीं लगाए हुए हैं. इसके अपार्ट हमारे पास टेराकोटा, ब्राउन, लाइट ब्राउन, बेज कलर्स हमारे पास हैं, वो भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं. और जो ब्रिक टाइल्स हैं हमारी, इनकी जो लाइफ है वो अनलिमिटेड है, ये कभी ख़राब नहीं होती है. लाइक टेक्स्चर्ड पेंट, आपको पेंट हर 3-4 साल बाद के बाद रिपीट कराना पड़ता है, आपको 100 साल के बाद भी ये रिपीट कराने की नीड नहीं है. सो दैट्स आल्सो एन इंपॉर्टेंट यूएसपी गाइस, कि ये लाइफ टाइम तरीके से चल सकता है. आई विल से कि टेक्सचर की तरह हर 4-5 साल बाद रिपीट नहीं करना पड़ेगा, रेनोवेट नहीं करना पड़ेगा, मेंटेन नहीं करना पड़ेगा. तो दैट्स अ गुड पॉइंट वी शुड बी नोटिंग इन. सो अगर आप एक अच्छा घर बना रहे हैं तो यू कैन थिंक ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट, इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव गाइस, ट्रस्ट मी. टेक्सचर पेंट की भी कॉस्ट काफ़ी आ जाती है. Wonderful. So thank you Amit for your time. It was wonderful talking to you guys. Signing it off, Shashank Jain.